वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर स्टेइंग वेल। प्रीवियस वीडियो में हमने कंप्लीट किया चैप्टर नंबर 7 पॉवर्टी, और उसमें हमने डिस्कस किया था पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम। फ्रॉम टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर एंड द चैप्टर नंबर 8 ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। सो आज हम बात करेंगे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की। फर्स्ट ऑफ ऑल ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का मीनिंग देखने से पहले इसको हम टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, फर्स्ट ह्यूमन कैपिटल एंड सेकेंड फॉर्मेशन। इट मीन्स ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया, ह्यूमन कैपिटल एंड फॉर्मेशन। एज वी नो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को फर्दर फोर पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। अब देखिए, अगर हम बात करें लैंड और लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर की, तो उसमें जो लेबर है या जो एंटरप्रेन्योर है दैट इज ह्यूमन कैपिटल। वी ऑल नो ह्यूमन बींग्स इट मीन्स ह्यूमन कैपिटल, लैंड दैट इज अ फिजिकल कैपिटल एंड कैपिटल दैट इज अ फाइनेंशियल कैपिटल। इट मीन्स फाइनेंस किसमें आ जाएगा आपकी, मनी किसमें आ जाएगी आपकी, फाइनेंशियल कैपिटल में। जो लैंड है वो किसमें आ जाएगा आपका, फिजिकल कैपिटल में। एंड ह्यूमन बींग्स, चाहे वो लेबर की तरह काम कर रहे हो या फिर एज अ ओनर, दे आर इंक्लूडेड इन द ह्यूमन कैपिटल। इट मीन्स किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट में ह्यूमन कैपिटल का जो मेन लीड रोल होता है। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का मीनिंग क्या हुआ? एज वी नो कैपिटल फॉर्मेशन इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल माइनस में ओपनिंग कैपिटल। विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल इस चीज को समझते हैं। सपोज करो आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया 1 अप्रैल 2019 को, ठीक है, 1 अप्रैल 2019 को आपने बिजनेस स्टार्ट किया। उस टाइम इनिशियल आपने जो बिजनेस है उसमें 10 लाख रुपीज इन्वेस्ट किए, और जैसे ही अकाउंट क्लोज हुए, इट मीन जैसे ही ईयर एंड हुआ 31 मार्च 2020 को, क्योंकि जो ईयर है वो आपका 1 अप्रैल 2019 अगर स्टार्ट हुआ है, तो उसकी जो क्लोजिंग डेट है वो क्या बनेगी, 31 मार्च 2020। इट मीन्स जब आपने बिजनेस शुरू किया तब आपने जो कैपिटल है वो कितनी इन्वेस्ट की है, 10 लाख की, लेकिन क्लोजिंग डेट पे इट मीन्स 31 मार्च 2020 एट द एंड ऑफ द ईयर जो कैपिटल है वो कितनी हो गई, सपोज करो 15 लाख। तो इट मीन्स कैपिटल में जो चेंज हुआ दैट इज कैपिटल फॉर्मेशन। सेम वैसे ही ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब होता है ह्यूमन बींग्स। इट मीन्स अगर हम बात करें 1 अप्रैल 2019 को, तो इंडिया में सपोज करो टोटल 1 लाख वर्कर्स ऐसे थे जो कि एक्सपर्ट थे किसी भी काम को करने में। अगर स्टार्टिंग में 1 लाख पर्सन ऐसे थे जो किसी भी काम को करने में एक्सपर्ट थे, लेकिन जब हमने 31 मार्च 2020 को देखा तो हमारे पास जो पर्सन है वो कितने हो गए, सपोज करो 1 लाख 20,000, ठीक है, 1 लाख 20,000। तो इट मीन्स 20,000 जो है वो इंक्रीज हो गए, तो 20,000 दैट इज कैपिटल फॉर्मेशन। इट मीन्स ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब है ह्यूमन बींग्स में कितना इंक्रीज हुआ जो किसी भी काम को करने में एक्सपर्ट थे, किसी भी फील्ड में जो स्किल्ड थे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डेफिनेशन से देखेंगे। सबसे पहले ह्यूमन कैपिटल की बात करते हैं। ह्यूमन कैपिटल का मतलब क्या होता है? इट रेफर्स टू द स्टॉक ऑफ स्किल एंड एक्सपर्टाइज। इट मीन्स स्टॉक किस चीज का, स्किल एंड एक्सपर्टाइज। स्किल का मतलब होता है कला, किसी भी काम को करने में अगर आप स्किल्ड हो, और एक्सपर्टाइज का मतलब होता है विशेषज्ञ, ठीक है, एक्सपर्ट किसी भी काम को करने में। ऑफ अ नेशन एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब अगर हम बात करें 1 अप्रैल की या 31 मार्च की। इट इंक्लूड्स इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर एंड वर्कर ऑफ ऑल टाइप्स हु आर एंगेज इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। इसमें हम किसको इंक्लूड कर सकते हैं, डॉक्टर्स को इंक्लूड कर सकते हैं, इंजीनियर, लॉयर, ठीक है, सीए, इवन टीचर्स, क्योंकि ये भी अपने फील्ड में एक्सपर्ट है, किसी किसी ना किसी सब्जेक्ट में एक्सपर्ट होते हैं। तो इट मीन्स ह्यूमन कैपिटल का मतलब क्या हुआ, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब हम एक फिक्स डेट की बात कर रहे हैं, या तो 1 अप्रैल या 31 मार्च या 1 जनवरी, 31 दिसंबर, एक फिक्स डेट पे हम बता रहे हैं कि इस टाइम हमारे पास इतने पर्सन है जो कि किसी भी काम को करने में एक्सपर्ट है या स्किल्ड है। सेम वैसे ही अगर हम बात करें ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, फॉर्मेशन का मतलब होता है कितना चेंज हो गया। इट मीन्स 1 अप्रैल को इतने थे, क्लोजिंग डेट 31 मार्च को कितना हो गया, तो फॉर्मेशन का मतलब कितना चेंज हुआ। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब है इट इज द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग, एक्वायर का मतलब होता है किसी भी चीज को प्राप्त करना, गेट करना,
एंड इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग मीन्स इनहेंस करना. द नंबर ऑफ पर्सन हु हैव स्किल एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस, इट मीन्स कितने पर्सन इंक्रीज हो गए. ठीक है, और पर्सन कौन, जो कि किसी भी काम को करने में एक्सपर्ट थे, स्किल्ड थे, एजुकेटेड थे या एक्सपीरियंस जो पर्सन हैं. विच आर एसेंशियल फॉर द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री, किसी भी कंट्री की जो डेवलपमेंट है दैट डिपेंड ऑन द ह्यूमन कैपिटल. इट मीन्स जब तक ह्यूमन बींग्स, जब तक ह्यूमन कैपिटल आपकी एक्सपर्ट नहीं होगी तब तक आप किसी भी कंट्री को, किसी भी इकोनॉमी को डेवलप नहीं कर सकते. इट मीन्स किसी भी कंट्री की जो डेवलपमेंट है, चाहे वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो या फिर पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो, दैट इज टोटली डिपेंड ऑन द ह्यूमन कैपिटल. तो फॉर्मेशन का मतलब होता है चेंज होना, कितनी ह्यूमन कैपिटल है जो कि आपने बनाए. ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन, ट्रेनिंग, जो काम करने में एक्सपर्ट हो गए. आफ्टर दैट बात करेंगे फिजिकल कैपिटल. फिजिकल कैपिटल में आता है बेटा जैसे कि लैंड हो गया, मशीन हो गई, बिल्डिंग हो गई. ठीक है, प्रोडक्शन में, क्योंकि ये भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ये भी प्रोडक्शन को इंक्रीज करने में या प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाने में हेल्प करते हैं, एज अ हेल्पिंग फैक्टर ये काम करते हैं. तो फिजिकल कैपिटल, इट रेफर्स टू द प्रोड्यूस्ड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के साधन. ठीक है, प्रोडक्शन के मीन्स. स्टॉक ऑफ फिजिकल कैपिटल मेजर्स द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ अ नेशन, किसी भी कंट्री की प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या होगी, दैट ऑल्सो डिपेंड ऑन द फिजिकल कैपिटल. इट मीन्स आपके पास जितनी लैंड है, जितना ज्यादा आप मशीन लगाओगे, जितनी अच्छी आप टेक्निक्स यूज करोगे, उसके ऊपर भी आपकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है किसी भी कंट्री की, वो डिपेंड करती है. इट मीन्स जितनी अच्छी मशीन है, जितनी अच्छी टेक्निक्स है, आपकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग इंक्रीज होती चली जाती है. आफ्टर दैट फाइनेंशियल कैपिटल. फाइनेंशियल कैपिटल जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, फाइनेंस मीन्स मनी. इट रेफर्स टू द पेपर क्लेम, क्योंकि आपने देखा होगा जो फाइनेंस है, ये जो मनी है, मेनली पेपर फॉर्म में होती है, जैसे 500 का नोट हो गया, 1000, 2000. अंगेंस्ट फिजिकल कैपिटल, इट मीन्स गवर्नमेंट का लीगल टेंडर के थ्रू जो है मनी इश्यू होती है. अब 500 या 2000 के जो नोट है उसको हम क्यों एक्सेप्ट करते हैं, बिकॉज दैट मनी इज लीगली प्रूव्ड, क्योंकि जो मनी है वो गवर्नमेंट ने इश्यू की. तो इट मीन्स किसी भी प्रोडक्शन में जो हेल्पफुल होते हैं वो क्या क्या होता है, ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन बींग्स, फिजिकल कैपिटल इट मीन्स एसेट्स, मशीन, लैंड. ठीक है, या फिर फाइनेंशियल कैपिटल का मतलब होता है मनी. तो ये सभी के सभी जो फैक्टर्स हैं इकट्ठे इंटीग्रेट होके किसी भी कंट्री की प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज करते हैं. आफ्टर दैट नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज डिटर्मिनेंट्स या फिर सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. देखिए डिटर्मिनेंट्स का मतलब होता है वो फैक्टर जो किसी भी चीज को इफेक्ट कर रहे हैं. इट मीन्स किसी भी कंट्री की ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जो है उसको कौन कौन से फैक्टर हैं, कौन कौन से डिटर्मिनेंट हैं जो उसको इफेक्ट करते हैं. इट मीन्स किसके ऊपर डिपेंड है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हुआ या नहीं हुआ, या ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन अगर आपको करना है तो हमें किन किन फैक्टर्स को कंसीडर करना पड़ेगा. तो इसमें फर्स्ट जो फैक्टर है दैट इज एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन. ठीक है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जिसके ऊपर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन डिपेंड करती है. मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ रेजिंग द प्रोडक्टिव वर्कफोर्स, वर्कफोर्स का मतलब होता है वो पर्सन, दोज हु आर विलिंग एंड एबल टू डू वर्क. इट मीन्स जो काम करने के लिए तैयार है, जो एक्सपर्ट है किसी भी काम को करने के लिए. इट मीन्स किसी भी कंट्री में अगर हम प्रोडक्टिव वर्कफोर्स जो है उसको इंक्रीज करना चाहते हैं तो एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन दैट इज द बेस्ट मेथड. इट मीन्स जितना ज्यादा एजुकेशन के ऊपर हम मनी खर्च करते हैं, ठीक है, दैट इज नॉट अ एक्सपेंडिचर, दैट इज अ इन्वेस्टमेंट. जितना ज्यादा एजुकेशन के ऊपर आप मनी इन्वेस्ट करोगे उतना ज्यादा कंट्री ग्रो करेगी. वी नो मोस्ट फैमिली इनकर ह्यूज एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन बाय द वे ऑफ लोन. कई फैमिलीज ऐसी होती हैं जो फाइनेंस मतलब इतना फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है या इतनी एक्सपेंडिचर वो अफोर्ड नहीं कर पा रही है बच्चों के एजुकेशन के लिए, बट फिर भी वो लोन लेके अपने बच्चों को स्टडी करवाती है, उनकी एजुकेशन के ऊपर पैसा खर्च करती हैं. रीजन बिहाइंड दैट मॉनेटरी बेनिफिट ऑफ एजुकेशन ग्रेटर देन द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन, बिकॉज दे नो, उनको पता है भी जितना ज्यादा वो खर्च करेंगे जो कॉस्ट है एजुकेशन की दैट इज लेस देन द मॉनेटरी बेनिफिट ऑफ एजुकेशन.
इट मीन्स अगर बच्चा एजुकेटेड होगा तो इन फ्यूचर उसका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो अप हो जाएगा, एक अच्छी जॉब उसको मिल जाएगी। तो इट मीन्स उसका जो खर्चा है एजुकेशन के ऊपर जो भी उनकी कॉस्ट आई वो कम है एज कंपेयर टू देयर बेनिफिट्स, क्योंकि इन फ्यूचर उसको बहुत से बेनिफिट्स मिलेंगे एजुकेशन से। इसके साथ ही एजुकेशन इनेबल एंड इंडिविजुअल टू मेक अ गुड लिविंग थ्रू आउट हिज लाइफ। अगर हम एजुकेटेड एंड अनएजुकेटेड की अगर हम बात करें तो वो पर्सन जो एजुकेटेड है, जो स्किल्ड है किसी भी काम को करने में, जो एक्सपर्ट है, उनका लिविंग स्टैंडर्ड अप होता है या जिसको हम बोलते हैं वो लाइफ को अच्छे से इंजॉय कर पाते हैं एज कंपेयर टू अनएजुकेटेड जो पर्सन होते हैं। तो इट मीन्स एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट या मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। देर इज अ पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन एंड ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। जितना ज्यादा एजुकेशन के ऊपर गवर्नमेंट खर्च करेगी या फैमिलीज जितना ज्यादा एक्सपेंडिचर करती हैं एजुकेशन के ऊपर, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन उतनी ज्यादा इंक्रीज होती है। सो हियर आर फ्यू मोर डिटर्मिनेंट्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। इट मीन्स कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि ह्यूमन कैपिटल को इफेक्ट करते हैं। सेकेंड फैक्टर दैट इज एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ। वी ऑल नो अ साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी। इट मीन्स जितना हेल्दी एक पर्सन होगा उसका जो माइंड है वो उतना ही शार्प होगा, उतना ही एक्टिव वो काम करेगा। इट मीन्स एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन या हेल्थ। इट मीन्स अगर हम एजुकेशन और हेल्थ इसके ऊपर अगर गवर्नमेंट पैसा खर्च करती है या प्राइवेट पर्सन जो है अगर उसके ऊपर मनी इन्वेस्ट करे, इट इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ मैन पावर। ठीक है, जितना ज्यादा एजुकेशन पे और हेल्थ के ऊपर मनी खर्च होगी इतना ज्यादा मैन पावर मीन्स ह्यूमन बींग्स उसकी जो एफिशिएंसी है, काम करने की जो कैपेबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। एंड दैट्स व्हाई इट बिकम मोर प्रोडक्टिव। मोर प्रोडक्टिव का मतलब होता है उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज हो गई। इट मीन्स पर आवर या पर डे उसकी प्रोडक्शन करने की जो कैपेसिटी है, यूनिट्स बनाने की जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी, या हम कह सकते हैं कि उसके काम करने की जो ड्यूरेशन की जो कैपेसिटी है, इट मीन्स ही कैन वर्क मोर देन 10 to 12 hours। ठीक है, उसकी प्रोडक्शन जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। एंड ड्यू टू दैट राइज इन द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस। क्योंकि एक पर्सन जो है ड्यू टू हिज हेल्थ, ठीक है, हेल्थी है, एजुकेटेड है, इस वजह से वो प्रोडक्शन प्रोसेस में कॉन्ट्रीब्यूट करवाएगा। इट मीन्स उसमें उसका जो रोल है वो इंक्रीज हो जाएगा। एंड दैट्स व्हाई राइज इन द जीडीपी। जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। इट मीन्स देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन एंड जीडीपी। जितना ज्यादा एक्सपेंडिचर होगा एजुकेशन और हेल्थ के ऊपर उतना ज्यादा एक पर्सन की काम करने की जो कैपेबिलिटी है, जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज होगी और उतना ज्यादा जीडीपी जो है इंक्रीज होती है। नेक्स्ट जो फैक्टर है दैट इज ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग का मतलब होता है काम करते हुए ट्रेन करना। इट मीन्स यू आर डूइंग वर्क एज वेल एज यू आर गेटिंग द ट्रेनिंग। इट मीन्स आप काम भी कर रहे हो साथ ही साथ आपको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की जा रही है। बिकॉज वी नो ट्रेनिंग हेल्प वर्कर्स टू शार्पन देयर स्पेशलाइज स्किल। इट मीन्स न्यू टेक्निक्स जैसे आती हैं तो टाइम टू टाइम हमें वर्कर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी पड़ती है। और ट्रेनिंग प्रोवाइड करने का जो पर्पज होता है वो क्या होता है, वर्कर्स की जो स्किल है उसको शार्पन का मतलब होता है उसको इनहेंस करना, उसको इंक्रीज करना। इट मीन्स जो भी न्यू टेक्निक्स आई है, जो भी मेथड्स आए, विद द हेल्प ऑफ ट्रेनिंग पर्सन को, वर्कर्स को उसमें ट्रेन किया जाता है। That's why it raises the level of their efficiency. इससे उनकी efficiency increase हो जाएगी, productivity increase हो जाएगी, and because return या फिर जिसको हम बोल सकते हैं benefits are greater than the cost of such programs. It means अगर कोई भी organization training program को arrange करती है तो उसपे कुछ ना कुछ उनको कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ उनको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। मे बी हो सकता है उनको एक्सपर्ट को हायर करना पड़े, बट उसकी जो कॉस्ट है वो कम होती है एज कंपेयर टू बेनिफिट। क्योंकि ट्रेनिंग प्रोवाइड करने से जो वर्कर है वो एक्सपर्ट हो जाएंगे, उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, इससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगी और जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी जो आउटपुट है वो इंक्रीज हो जाती है। दैट्स व्हाई जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो या ट्रेनिंग जो ऑर्गेनाइजेशन है, इवन स्कूल एंड कॉलेजेस, ठीक है, टाइम टू टाइम अपने वर्कर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं टू शार्पन देयर नॉलेज। आफ्टर दैट नेक्स्ट जो फैक्टर है दैट इज
स्टडी प्रोग्राम फॉर अडल्ट अदर देन फॉर्मल एजुकेशन. फॉर्मल एजुकेशन होती है बेटा प्राइमरी सेकेंडरी या यूनिवर्सिटी लेवल पे. इट मीन्स एक सिस्टमेटिक वे में जहां पे आप एजुकेशन लेते हो, जहां पे प्रॉपर क्लासेस होती हैं. अदर देन फॉर्मल एजुकेशन एट प्राइमरी सेकेंडरी या यूनिवर्सिटी लेवल जो गवर्नमेंट है या जो एनजीओज है ऑर्गेनाइज करती है स्टडी मटेरियल फॉर द स्टडी प्रोग्राम फॉर द अडल्ट. ठीक है, टू मेक दैम प्रोफिशिएंट. प्रोफिशिएंट का मतलब भी वही चीज का है, किसी भी काम को करने में एक्सपर्ट हो जाना. इट मीन्स अदर देन स्कूल कॉलेज प्राइमरी एजुकेशन के अलावा भी जो गवर्नमेंट है या जो एनजीओज हैं वो एडल्ट्स के लिए स्टडी प्रोग्राम्स को लॉन्च करती हैं उनकी एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए. बिकॉज इट इनहेंस देयर प्रोडक्टिविटी. इससे उनकी काम करने की जो कैपेसिटी है, प्रोडक्शन करने की जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी. इससे गवर्नमेंट को बेनिफिट मिलेगा क्योंकि इससे जीडीपी इंक्रीज होती है और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो डिक्रीज हो जाती है. इट मीन्स देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन स्टडी प्रोग्राम्स फॉर एडल्ट्स एंड जीडीपी. जितना ज्यादा गवर्नमेंट इस पे मनी स्पेंड करेगी उससे ज्यादा बेनिफिट्स गवर्नमेंट को होंगे इन द फॉर्म ऑफ जीडीपी. आफ्टर दैट माइग्रेशन. माइग्रेशन इट मीन्स नाम से क्लियर है, माइग्रेशन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट हो जाना. जैसे कि हमें पता है अभी अर्बन एरिया में जो जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं वो ज्यादा है एज कंपेयर टू रूरल एरिया. तो जो पर्सन है जो रूरल एरियाज में रह रहे हैं वो क्या करते हैं, माइग्रेट होते हैं गांव को छोड़ के, वो अर्बन जो एरिया है ठीक है सिटीज जो है वहां पे शिफ्ट हो जाते हैं. फैसिलिटेट द यूटिलाइजेशन ऑफ इनएक्टिव स्किल ऑफ पीपल. इट मीन जो माइग्रेशन है वो किस चीज में हेल्प करता है, यूटिलाइजेशन. किस चीज का यूटिलाइजेशन, इनएक्टिव स्किल. इनएक्टिव स्किल का मतलब होता है वो पर्सन जो किसी भी काम को करने में एक्सपर्ट है, स्किल्ड है, बट उनके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है रूरल एरिया में. दैट्स वाई वो पर्सन रूरल एरिया को छोड़ के अर्बन एरिया में शिफ्ट हो जाते हैं ताकि उनकी जो स्किल है उसका यूटिलाइजेशन किया जा सके, उनको जॉब अपॉर्चुनिटी मिले और वो अपनी जो कैपेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग वो काम कर सके. और इट फैसिलिटेट द फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ द स्किल. एक होता है अंडर यूटिलाइजेशन, एक होता है फुलर यूटिलाइजेशन. फुलर यूटिलाइजेशन का मतलब होता है आप किसी भी काम को करने में जो एक्सपर्ट, मतलब जितनी आपकी कैपेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग आपको काम मिल जाए. तो इट मीन्स माइग्रेशन का बेनिफिट ये होता है भी जो पर्सन किसी भी काम को करने में एक्सपर्ट है ठीक है, जैसे ही वो अर्बन एरिया में शिफ्ट होते हैं उनको उनकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग काम मिलेगा. तो इससे उनकी जो क्वालिटी है या जो उनकी स्किल है उसका फुल यूटिलाइजेशन हो जाएगा. इट मीन्स मैक्सिमम यूज कर पाएंगे वो अपनी क्वालिटीज का. एंड वी नो माइग्रेशन इन्वॉल्व द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कॉस्ट ऑफ लिविंग इन डिफरेंट सोशल इन्वायरमेंट. अगर कोई भी पर्सन माइग्रेट होता है तो उसकी कुछ ना कुछ कॉस्ट आएगी. फर्स्ट जो कॉस्ट है दैट इज ट्रांसपोर्टेशन. एक जगह से दूसरी जगह पे अगर पर्सन जाता है तो उसको ट्रांसपोर्टेशन के जो चार्जेस है वो बियर करने पड़ेंगे, एज वेल एज कॉस्ट ऑफ लिविंग इन डिफरेंट सोशल इन्वायरमेंट. इट मीन्स मे बी हो सकता है जो पर्सन रूरल एरिया में रह रहा है उसके मंथली जो एक्सपेंसिस है, मंथली जो भी खर्च है वो कम हो, लेकिन अगर वो अर्बन एरिया में आके शिफ्ट होगा तो उसको हाउस का जो रेंट है वो पे करना पड़ेगा या डे टू डे की जो रिक्वायरमेंट्स है उसके ऊपर भी उसको मनी स्पेंड करनी पड़ेगी. इट मीन्स माइग्रेशन में टू टाइप की कॉस्ट आ जाती है, एक तो होती है कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन और दूसरा होता है कॉस्ट ऑफ लिविंग. बट उसके बाद भी जो पर्सन है वो माइग्रेट करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट होते हैं. रीजन बिहाइंड दैट यंग पीपल माइग्रेट बिकॉज गेन ऑफ माइग्रेशन ग्रेटर देन द कॉस्ट ऑफ माइग्रेशन. बिकॉज दे नो भी माइग्रेशन से उनको जितना बेनिफिट होगा जो कॉस्ट है उसके आगे बहुत लिमिटेड है, बहुत कम है. बिकॉज कॉस्ट ऑफ माइग्रेशन इज लेस देन द गेन ऑफ माइग्रेशन. क्योंकि माइग्रेट होने से उनको बेटर अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी जॉब की और वो अपनी कैपेबिलिटी का, अपनी स्किल्स का फुल यूटिलाइजेशन कर पाएंगे और इससे उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो अप हो जाएगा. And ultimately, it will increase the GDP of a country. Next जो factor है that is expenditure on information. Information का मतलब होता है कोई भी job opportunities है ठीक है, या कोई भी suppose करो vacancy है, वो आपको कैसे पता चलेगी, with the help of information system. जैसे अगर हम कहें जो आपका internet है, newspaper, magazines, ठीक है, उसकी help से हमें different जो vacancies है या जो भी job opportunities है उसके बारे में information मिलती है. तो गवर्नमेंट यहां पे भी पैसा खर्च करती है, मतलब ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन जो फैसिलिटीज है वो प्रोवाइड की जाए. इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू जॉब मार्केट. जॉब मार्केट का मतलब वैकेंसीज, कहां कहां जॉब अवेलेबल है, या फिर एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूशंस है, इट मीन्स आप कहां पे जाके एजुकेशन ले सकते हो. तो इट मीन्स
जो इंफॉर्मेशन है इससे रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड या फिर जॉब मार्केट से रिलेटेड, ऑफरिंग स्पेशलाइज्ड स्किल, क्योंकि वहां पे जाके एक पर्सन जो है अपनी स्किल को प्रोफेशनलाइज कर सकता है। अगर हम बात करें एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की, तो वहां पे जाके जो स्टूडेंट है वो स्टडी करते हैं या फिर उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। साथ ही साथ अगर आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल जाए, अगर आपको जॉब मिल जाते हैं, तो वहां पे आप अपनी स्किल का प्रॉपर यूज कर पाओगे। एंड इट इनेबल पीपल टू एक्चुअलाइज देयर प्रोडक्टिव पोटेंशियल। एक्चुअलाइज का मतलब होता है एक्चुअल में काम करना। प्रोडक्टिव पोटेंशियल, पोटेंशियल का मतलब होता है आपके अंदर काम करने का कितना कैलिबर है। इट मीन्स अगर आपको एक अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी मिल जाए, तो आप अपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंग, आप अपने कैलिबर के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन कर पाओगे, काम कर पाओगे, और इसका अल्टीमेटली जो बेनिफिट है वो कंट्री को होगा इन द फॉर्म ऑफ जीडीपी ग्रोथ। सो दीज आर द फैक्टर, दीज आर द डिटर्मिनेंट्स विच इफेक्ट द ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, या हम कह सकते हैं देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन द डिटर्मिनेंट्स एंड ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। इट मीन्स इन फैक्टर्स के ऊपर जितनी मनी गवर्नमेंट स्पेंड करेगी, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन उतना ज्यादा होगा, और जितना ज्यादा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होगा उतना ज्यादा एक कंट्री ग्रो करेगी। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इकोनॉमिक ग्रोथ। किसी भी कंट्री की ग्रोथ में ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का क्या रोल होता है, या प्रॉब्लम फेसिंग इन द ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, इट मीन्स ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन करते टाइम क्या क्या प्रॉब्लम है जो कि किसी भी कंट्री को, किसी भी गवर्नमेंट को फेस करनी पड़ती है। सो टिल देन कीप वॉचिंग द वीडियो, रिवाइज दिस कंसेप्ट। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।